राजस्थान रोडवेज के इतिहास में पहली बार सीएमडी का दफ्तर कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। कुर्की का आदेश वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय ने दिया था। इसके बाद आज स्पेशल सेल के आमीन अभयकांत शर्मा ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरा मामला 1.3 अरब रूपये से ज्यादा की वसूली का है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान में सीएमडी आईएएस अधिकारी संदीप वर्मा है। जानकारी के मुताबिक मेसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जस्टिस शिव कुमार शर्मा ने ऑर्बिटेशन प्रकरण में 25 मार्च 2018 को डिक्री पारित की थी। ये डिक्री 1.3 करोड़ 3,46,753 रूपये कंपनी के पक्ष में पारित की गई थी, जिसकी तुष्टि करने में निगम असफल रहा। ऐसे में वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर द्वितीय ने इस बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। जब इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस पूरे प्रकरण में अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन इस दौरान प्रभावी रूप से पैरवी करेगा। अदालत के आदेश के बाद कुर्की के दौरान इन संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही दान दिया जा सकेगा। इसके साथ ही संपत्तियों को कहीं भी ट्रांसफर या भारित नहीं किया जा सकता है।